आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमको सुंदर दास नाम है। यही के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाला। हमको ठेकेदार जो जमीन जितना जात दिया है, पुल बनल है, एक पैसा हमको नहीं भेटा। जो ये पुल का निर्माण हो रहा था, तो आप लोग नहीं बोले कि ऐसा पुल नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए तो पूरा स्लोपिंग, मतलब इतना चढ़ाई नहीं होना चाहिए। इतना ऊंचा हम लोग पब्लिक नहीं कह रहे थे कि इतना ऊंचा नहीं बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए तो सोलोटी बनना चाहिए। हर जगह पर पुल बना है, लेकिन ये इतना हाइट कर दिया, इतना हाइट कर दिया कि जो कि मैंने पब्लिक के बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर कितना बार घटना जो हो चुका है? 2 दफे घटना हो चुका है। किसी को मतलब मृत्यु हुआ है? हाँ हाँ, मृत्यु इसी जगह पर हो गया। पुल का निर्माण हुआ है, कितना दिन हो गया निर्माण हुए? यह निर्माण हुए तो 3 साल हो गया था। यह साल भर हुआ, 3 साल बनने में इसको लग गया, ठीक है। उसके बाद अभी तक सही से नहीं बना है और नहीं बन चुका था पहले भी। अभी बहुत घटना घट गया कितना, फिर भी हमको ग्राम अथी यहाँ टीला पड़ता है घर, ठीक है। हम लोग भी सोचे कि अदौरिया ग्राम और टीला ग्राम सब लगले पड़ता है, तो ऐसे सोचे हम लोग कि जैसे ही पुल बनेगा हम लोग को भी कुछ अच्छा रोड मिल जाएगा आने जाने के लिए। हम लोग को भी अभी तक आरी पर आते हैं हम लोग, ऐसे वहाँ आरी मुहे आ रहते हैं। मतलब हाँ, पुल बनने से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ हम लोग को भी, न ग्राम अदौरिया, न ग्राम टीला, या ग्राम जलिया, तीन गांव है यहाँ पे, कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग भी सोचे चल भाई पुल बन रहा है, किसी तरह से हम लोग भी आगे चल के लाइफ बनेगा, कुछ रोड उड बनेगा, कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? उरूर। जो ये पुल का निर्माण हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा पुल बना है? अच्छा पुल नहीं बना, देखिए आने जाने बहुत दिक्कत। ये पुल बना हुआ है, आप लोग को दिक्कत नहीं होता है बरसात के दिनों में? बहुत दिक्कत होता है। अभी भी मिट्टी मोरम के कार्य नहीं हुआ बाकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में काम होना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, दिक्कत होता है, हम लोग आते हैं तो गाड़ी उधर लगा के मार्केट आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही पुलिया है जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। रेलिंग का भी कार्य बाकी है, इसमें पेंट वगैरह दिया जाता है, अभी तक पेंट वगैरह नहीं हुआ है और इसमें भी काम बाकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आगे चलिए, ये देखिए हमारा झारखंड का विकास है। ये इतना बड़ा डाइवर्सन दिया गया है मिट्टी और मोरम से। अगर स्पीड में उधर से व्यक्ति लोग आते हैं, वाहन आती है, तो क्या हाल होगा? यहाँ पर देखिए मिट्टी मोरम का कार्य नहीं हुआ है। अगर उधर से कोई 4-व्हीलर या 2-व्हीलर गाड़ी आती है तो सीधे डायरेक्ट नीचे की ओर चला जाएगा, और नीचे जब जाएगा तो उसका हाल क्या होगा, मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आए दिन यहाँ 2-3 व्यक्ति का घटना हो चुका है। रोड बना है कितना, मतलब कम एरिया में बनाया गया है। मान लीजिए एक चक्का इधर आ जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? डायरेक्ट ये नीचे की ओर गाड़ी चली जाएगी, और जब गाड़ी जाएगी तो उसका क्या हल होगा, आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए झारखंड सरकार का ये हाल है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा किया गया है इस पुल के अंदर, आप देख सकते हैं।